व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, गलत चीज गलत ही होती है, चाहे उसको हर एक इंसान फॉलो क्यों ना कर रहा हो, पर लेकिन सही चीज भी सही होती है चाहे उसको कोई भी फॉलो क्यों ना कर रहा हो। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गलत को इतनी बार बोलते जाओ कि वो सत्य हो जाता है, पर लेकिन एक्चुअल में क्या वो रियलिटी में सत्य हो जाएगा? नहीं, वो गलत ही रहेगा। इसलिए आप लोग कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, तो अपने आप सोचिए। ये नहीं कि सब गलत चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग भी गलत चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दें। आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या ये मुझे फॉलो करना चाहिए? तो अगर आप लोगों को लगता है अंदर से, अगर आपके मन की आवाज आती है, आपके दिल की आवाज आती है कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए, तो आप लोग करना चाहिए। और अगर आप लोग लगता है नहीं फॉलो करना चाहिए तो नहीं फॉलो करना चाहिए। दुनिया अगर गलत फॉलो कर रही है उसको देखकर आप लोगों किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। सही और गलत में डिफरेंस करना आप लोगों को आना चाहिए, और यही रियलिटी में जिंदगी होती है। आप लोगों का एक छोटा सा जो डिसीजन होता है वो आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, पता नहीं आप लोग कहां से कहां तक ले जा सकता है। पर लेकिन इसी के साथ में आप लोगों का सही और गलत का पहचान होना भी आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। तो फोकस कीजिए, जो सही चीज है उसी पर फोकस कीजिए। अगर दुनिया गलत करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत ही करेंगे। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है, बुल्गारिया जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार है डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और हाँ, क्वेश्चन की जैसे मैंने बात की थी तो कई सारे बच्चों ने बोला कि सर प्लीज क्वेश्चन देते रहिए, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि क्वेश्चन देते रहूं, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन देते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन देना वो सही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन देते ही रहते हैं, ठीक है। जिसका मन करेगा वो लिख सकता है, जिसका मन करेगा नहीं लिखना है तो वो नहीं लिखे, पर लेकिन मैं क्वेश्चन देना कंटिन्यू करता हूं। कई सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे, इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही थी श्री जगन्नाथ टेंपल और पुरी के बारे में। तो ये विष्णु का अवतार है यहां पर, जो कि जगन्नाथ है, ये यहां पर इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये काफी पुराना टेंपल है, काफी फेमस भी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये May 13 में जनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है कार्ल मार्क्स की, ये 200th बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली थी 5 May 2018 में, इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। जो 10,000 के करीब लोगों की जान गई थी, ये साइक्लोन 1999 में आया था, इसका नाम था 05B। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, आज की डेट में आप लोग देखते हैं लगभग 34 या फिर 40 के करीब जान गई, पर लेकिन उस टाइम पर 10,000, समझ रहे हैं आप लोग कंपेयर। तो ये जो आज की डेट में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो चीजें हो गई हैं, और खासकर जो वार्निंग सिस्टम हो गया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। नेक्स्ट जो 27-year-old पर्सनैलिटी, जो कि काफी लंबे समय तक भूखे रहे, लगभग 194 days तक, इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था किस तरीके से माइनिंग को रोका जाए और रिवर को कैसे सुधारा जाए, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। तो इनका नाम था स्वामी आत्मा बोधिना, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा, ये पर्सनालिटी यहां पर एशियन क्वास चैंपियनशिप में टॉप पर रही दोनों पर्सनालिटी, तो ये काफी गर्व की बात आप लोग हमारी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो यहां पर ये वाला आर्टिकल है, और साइड में यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आज के डेट में काम किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कार्टून भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे जिस तरीके से आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ढंग से काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली जो ऐसा ट्रेंड था ये पाकिस्तान में देखने को मिलता था, ट्रेंड क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था पाकिस्तान मैक्सिमम टाइम यूज करता था इंडिया का नाम कि हाँ इंडिया के खिलाफ हम लोगों ने ये कर दिया, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। तो इसलिए जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में आते थे तो इंडिया का नाम हमेशा यूज करता था, पाकिस्तान छोड़कर। अगर नवाज शरीफ जी के टाइम की बात करें, वो रेयरली इंडिया का नाम लेते थे और बचते थे, पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अभी कंप्लेन जा रही है मोदी जी के नाम की, मोदी जी के द्वारा अभी ये बोला गया कि एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी है उसके नाम पर वोट दो, क्योंकि पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट मांगी जा रही है, खासकर पाकिस्तान को जो मजा चखाया उसके नाम पर वोट मांगी जा रही है। और इसके बाद भी ऐसे ऐसे हरकतें करने के बाद भी यहां पर जो आर्मी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं। अगर संविधान के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 324 यहां पर पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ अच्छा स्टेप उठाने के लिए, पर लेकिन अब तक यहां पर क्लीन चिट मिलती हुई आ रही है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियली इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्या रियली एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे काम कर सकती है। तो यहां पर क्लीन चिट दी जा रही है बार बार ऐसी ऐसी हरकतें करने के बाद भी, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहां पर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नॉर्मली इंडिपेंडेंट यहां पर बॉडी माना जाता है, और वो ये माना जाता है कि वो कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहां पर राइटर्स के द्वारा।
इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे, पुराने मुद्दे जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। सबसे पहली बात की जा रही है वीवीपैट के बारे में। अपोजिशन पार्टी चाहती है कि 50% जो वीवीपैट है उनको चेक किया जाए, जो इलेक्शन वोटिंग मशीन है उसके साथ में, कि हाँ ये वोट उसी इंसान को गई है जिसको डाली गई है, उन पर्ची से मैच कर ये देखा जाए। दूसरी बात जो यहां पर निकल कर आ रही है, ये काफी लंबे से यहां पर बात की जा रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पावर है उसको लॉ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि एक स्टैट्यूटरी पावर देकर यहां पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कम से कम ये पावर दे दी जाए। अगर कोई जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पजामे से बाहर जा रही है तो उसका कैंडिडेचर सिर्फ यहां पर एक तरीके से कैंसिल कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी पास्ट में ये बातें बोली गई है, पर लेकिन किसी भी हद तक कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना गिर जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर दे। ये काफी बड़ी बात है जो कि बार बार देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए अगर ये पावर यहां पर रहेगी, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर इंजीनियरिंग आप लोग कर आए हैं, और प्रैक्टिकल की भी बात कर लिए, जो आप लोगों को ट्वेल्थ में जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल का जो टीचर रहता है उसके हाथ में कुछ पावर दी जाती है कि इतने मार्क्स आपके हाथ में है, और अगर कोई बदतमीजी करता है उसका बिहेवियर कैसे रहता है उसके बेस पर आप लोग वो मार्क्स काट सकते हैं। सेम फंडा आप लोगों ने ग्रेजुएशन में देखा होगा। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है ताकि जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर इंसानों वाला रहे, वो जानवरों की तरह यहां पर एक तरीके से प्रवृत्ति में न आ जाए। तो वो सब बातें रखते हुए यहां पर जो स्कूल के मास्टर को यहां पर पावर दी जाती है, सेम पावर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में रहे कि हाँ अगर दिखे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकतें कर रही है तो वो ढंग से काम करें यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर कई बार ये बातें बोली गई है कि कुछ ऐसी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में दो कि वो कुछ ऐसा स्टेप उठा सके यहां पर, पर लेकिन वार्निंग देकर छोड़ देना बार बार ये कंडीशन ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक तरीके से उसके हाथ बंधे हुए हैं कुछ तो ये, और कुछ हाथ खुले हुए भी हैं फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। तो दोनों ही तरीके से यहां पर बातें देखने को मिल रही है। तो ऐसे आर्टिकल और भी फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात की जरिए सेबी के बारे में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, देखेंगे अभी क्या क्या बातें हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है। अभी एक फाइन लगाया गया है यहाँ पर एनएससी के ऊपर, तो नजर डालेंगे पूरे आर्टिकल के ऊपर। कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा किस तरीके से इंडिया जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से दूर हटती जा रही है और क्या मैटर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आखिर S-400 सिस्टम जो है वो तुर्की से क्यों खरीद रहा है, और वो तुर्की रशिया से क्यों खरीद रहा है नेटो का मेंबर होते हुए भी, और रिलेक्टेंट क्यों है, काफी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर समझाया गया है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, डेटा पॉइंट है इसके ऊपर भी हल्का सा नजर डालेंगे। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी केस चल रहा है, केस चला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही थी, तो एक केस था यहाँ पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सेक्चुअली असोल्ट किया है अपने से नीचे काम करने वाले जो भी यहाँ पर जो इनके नीचे काम करने वाले जो भी इंसान थे, यानी कि एक लड़की थी, उनको यहाँ पर ये असोल्ट किया गया है। उसी के चलते उन्होंने अपनी जो एक तरीके से कंप्लेन दर्ज की थी, और उसी के चलते यहाँ पर एक कमेटी भी सेटअप की गई जिसको बोर्ड बैक कमेटी का नाम दिया गया। तो अभी उस कमेटी के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्लीन चिट दे दी गई है। जो जिसने कंप्लेंट की थी उसने ये बोला कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है, और सबसे ज्यादा डर मुझे इसी चीज का था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जो सब कुछ इंक्वायरी यहाँ पर की गई है, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो बातें की गई है वो पब्लिक डोमेन में लाने से मना कर दिया गया। साफ साफ बोला गया है कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा, यानी कि ये जो चीजें हैं, कैसे इंक्वायरी हुई, क्या क्या बातें चली, क्या रिजल्ट निकल कर आया, ये पब्लिक डोमेन में निकल कर नहीं आएगा। तो यानी कि वो सारी बातें अंदर रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है हाईएस्ट जुडिशरी पोस्ट है अगर आप लोग देखेंगे तो। इस तरीके से क्या क्या बातें, कहीं ना कहीं इमेज खराब होने की भी बात रहती है, और लोगों के ट्रस्ट की भी बात बहुत बड़ी यहाँ पर होती है। हालांकि अगर इंक्वायरी यहां पर पार्शल, एक तरीके से पार्शलिटी नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए जनता का ट्रस्ट होना भी जरूरी है। तो कई सारी बातें यहां पर घुमा फिरा के वही बोली गई हैं जो हम लोग पास्ट में यहां पर डिस्कस अब तक कर चुके हैं, कि किस तरीके से एक तो इंटरनल कोई इंक्वायरी करने का कोई ऐसा प्रॉपर प्रोविजन नहीं है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है यहां पर हमारे कोर्ट के अंदर भी तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये भी तमाम मुद्दे चले हुए आ रहे हैं काफी लंबे समय से। इंटरनल इंक्वायरी अगर चलनी है तो उसमें किसको आप लोगों को लेना है, अगर वुमेन के खिलाफ कुछ ऐसी बात की गई है तो एक वुमेन भी वहां पर उस कमेटी में होनी चाहिए जो यहां पर इसको चेक करेगा, और मैक्सिमम जो जज होने चाहिए वो रिटायर्ड जज होने चाहिए, बाहर के इंसान होने चाहिए, यानी कि इंटरनल ही कोई ये सारे काम कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर निकल कर आ रहे थे जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जो सबसे बुरी बात रही यहां पर, स्टार्टिंग में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपने आप ही उसको हेड करने की कोशिश की गई, तो भी क्वेश्चन मार्क लगा था कि अपने कोर्ट केस में आप लोग कैसे जज हो सकते हो। नॉर्मली ये ऐसी चीजें ना तो अलाउ की जाती है और ना ही ये एक नेचुरल जो जस्टिस आना चाहिए और जो न्यूट्रल जस्टिस आना चाहिए उसके भी ये खिलाफ है। तो वो बहुत सारी बातें फिर से यहां पर रिपीट की जा रही है, और पास्ट के कई सारे उदाहरण भी देकर उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, कई बार चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं जो कि अब तक डिस्कस नहीं की है। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले एक आर्टिकल के बारे में,
जो कि यहां पर यूएसए और तुर्की के बारे में बात करता है। देखिए अभी रिसेंटली तुर्की के द्वारा यहां पर बोला गया कि वो रशियन S-400 सिस्टम खरीदने की बात कर रहे हैं, जो कि यूएसए के द्वारा अपोज भी किया गया। रीजन क्या है कि ये नेटो का मेंबर है। नेटो जो है एक अलाई है यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो कि एक मिलिट्री अलाइन है, और खासकर ये हमेशा से यूएसएसआर के खिलाफ में आप लोगों को देखने को मिला है, रशिया के खिलाफ में आप लोगों को देखने को मिला है, और आज की डेट में ये रशिया से ही वो सिस्टम खरीद रहा है। यानी कि तुर्की बींग ए मेंबर ऑफ नेटो और रशिया से ही ये चीजें खरीद रहा है, तो सामने वाले की तो एक तरीके से भुएं चढ़ेगी ही चढ़ेगी। तो वही चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देखिए रशियन जो प्रेजिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और तुर्की जो तुर्की प्रेजिडेंट है यहाँ पर जो आरटी इरोडगन, जिसको आप लोग बोलते हैं रेकिप तैपी, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं। ये सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं इनकी इंगेजमेंट ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट यहां पर जो सपोर्ट किया जा रहा है यह है कुर्द, यह है कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान जो है यहां पर ये कुर्द कम्युनिटी है, ये अपना अलग से कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं सीरिया का भी ये पार्ट काटकर। और ये जो कुर्द कम्युनिटी है इसको यहां पर सपोर्ट, ये एक तरीके से यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, किसके अंदर, सीरिया के अंदर। और यूएसए आप लोग पता है हमेशा से रशिया के अपोज में रहता है, तो इस तरीके से यहां पर ये जो फोर्सेज है ये यहां पर इसको सपोर्ट कर रहा है यूएसए, और ये फोर्सेज तुर्की का ये पार्ट काटना चाहती है। तो आप लोग लगता है कि तुर्की यहां पर इसको अलाउ करेगा, और इसी तरीके से यहां पर यूएसए और तुर्की के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट यहां पर निकल कर आ गए, और मॉस्को के साथ में यहां पर मिलकर ये S-400 सिस्टम खरीदने की कगार तक यहां पर पहुंच गया, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन की तरीके से यूज किया जाता है कंट्री को सिक्योर करने के लिए। अगर बात की जाए, देखिए अगर यहाँ पर तुर्की एक तरीके से दूर होता है वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो कई सारे खतरे और मंडरा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही की जा रही है कि काउंटर टेररिज्म जो एफर्ट है सीरिया में वो काफी क्रिटिकल यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है रिलेशन को मेंटेन रखने में, जो यूएसए है और तुर्की है उसके बीच में। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है रिफ्यूजी का जो काफी फ्लो बढ़ जाएगा अगर यहाँ पर तुर्की ने जो प्रतिबंध लगा रखा है वो प्रतिबंध हटा ले। कैसे, आप लोगों को पता है ये मैप कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूं, ये पॉइंट है तुर्की के अंदर इस्तांबुल, ये वाला जो एरिया आता है यहाँ पर, ये वाला एरिया आप लोगों को एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, और ये वाला जो एरिया आता है ये आता है यूरोप के अंदर। यहां से जो ये पॉइंट है ये एक पॉइंट है जहां से सीरिया से जो भी रिफ्यूजी हैं, इराक से, ईरान से, या फिर दूसरा कोई भी ऐसा एरिया है, वो तुर्की से होते हुए यहां पर यूरोपियन वर्ल्ड में पहुंचते हैं। उनको लगता है कि वो यहां पर सेफ और सिक्योर फील करेंगे, तो यहां पर तुर्की क्या करता है, उनको रोक देता है, जाने नहीं देता है आगे, और इसी की वजह से यूरोपियन जो वर्ल्ड है वो सेफ रहता है, और इसके लिए वो तुर्की को काफी पे भी करते हैं, यानी कि तुर्की को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन तुर्की कई बार इसके लिए थ्रेट भी इनको देता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो हम ये जो बांध यहां पर लगा रखा है इसको खोल देंगे, और बहुत ज्यादा इनफ्लो यहां पर हो जाएगा जो कि रिफ्यूजी है, और फिर काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जिनोफीबिया जो है बाहर के लोगों से यहां पर खासकर यूरोपियन वर्ल्ड में वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो इनकी शांति व्यवस्था है वो भी भंग हो जाएगी, ऐसा कुछ बोला जाता है। ऊपर ब्लैक सी हो गया, नीचे मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये हो गया यहां पर साइप्रस, बाकी आप लोगों को बताया जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, और यहां पर इराक, और ये हो गया सीरिया, ठीक है, उधर हो गया बुल्गेरिया, ये हो गया यहां पर ग्रीस। तो ये मैप है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में ये रहता है। ओके, तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिए। आगे बात करें जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, ये है सिस्टम S-400 जो कि बोलते हैं कि हमसे खरीद लो, ये जो कि ये जो रशिया से खरीदने जा रहे हैं, और ये वो वाला सिस्टम है जो कि यूएसए कहता है कि इसके कंपेयर में आप लोग ये खरीद लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों आप लोग उनके चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है। तो ये बात बोली जाती है, और इसी के साथ में यूएसए ने थ्रेट भी दे डाली यहां पर तुर्की को कि जो F-35 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये एक तरीका जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम है, इसमें भी यहां पर इसको ज्वाइन करने से रोका जा सकता है, और इसी के साथ में कई सारे सैंक्शन भी यहां पर तुर्की के ऊपर लगाए जा सकते हैं अगर तुर्की जो है हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो। और इसी के साथ में ये जो डिफेंस सिस्टम है ये है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इसको यहां पर यूज करने की बात की जाती है, ना कि S-400 यहां पर लिया जाए, ये प्रेशर बनाया जाता है तुर्की के ऊपर। पर लेकिन तुर्की जो है यहां पर खासकर जिस सिचुएशन जो चल रही है यहां पर, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी की सवाल है यहां पर, अगर कुर्द कम्युनिटी यहां पर यूएसए सपोर्ट करता रहा तो सीरिया में जो मुद्दा चल रहा है वो एक दिन आकर यहां पर तुर्की की भी शांति व्यवस्था बर्बाद कर रख देगा। और यूएसए और तुर्की की अगर बात की जाए तो ये एक बात नहीं है, एक तो जैसे पीपल प्रोटेक्शन यूनिट जो कि मैंने अभी कुर्दिश वाली बात बताई उसकी बात आप लोग देख सकते हैं, उसी के साथ में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी बार बार यहां पर तुर्की के ऊपर कमेंट करते रहते हैं कि इसके अंदर ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, यानी कि ये मेंबर नेटो का है पर फिर भी इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं तुर्की को। तो तुर्की इसलिए भी कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड से, इसीलिए उसने ऐसे स्टेप उठाए ताकि वो यहां पर एक तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। तुर्की रिलेक्टेंट तो है यहां पर S-400 रशिया से खरीदने में, पर लेकिन दूसरी बात उसके पास में ये भी ऑप्शन नहीं है कि कैसे रिजेक्ट किया जाए
जो यहाँ पर ये पेट्रियट मिसाइल ऑफर कर रहे हैं, खासकर अपनी साइड से, यूएसए की साइड से। दूसरी बात यहां पर एक और है कि देखिए, अगर कल को यहां पर तुर्की को ये दे दिया जाता है सिस्टम, तो यहां पर ये भी प्रेशर तुर्की पर बनाया जा रहा है कि उसको सीरिया के खिलाफ यूज ना करें। पता चला सीरिया के खिलाफ यूज कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर भी जो बात बोली गई, जो बोला जा रहा है कि नेटो की जो 70th एनिवर्सरी यहां पर गैदर हुई यहां पर इसमें अप्रैल में, उसमें ये भी बात यहां पर बोली गई कि किस तरीके से, देखिए इसको पता है कि यहां पर नेटो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन रशियन कोऑपरेशन को भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उससे भी दूर हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए यहां पर बात ये चल रही है कि नेटो का मेंबर होते हुए रशिया के पास में जा रहा है, उससे यहां पर ये इस तरीके हथियार खरीद रहा है, तो कहां तक ये वाजिब सवाल है। तो इसी के बारे में बार बार यहां पर डिस्कस किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, और किस तरीके से यहां पर एक कनेक्टिंग लिंक की तरीके से यहां पर तुर्की को देखा जाता है। और अभी जब से यहां पर जमाल कसोगी वाला मुद्दा निकल कर आया है, तब से और ज्यादा यहां पर रिलेशन कहीं ना कहीं तुर्की के साथ में खराब हो चुके हैं यूएसए के, क्योंकि आप लोगों को पता है तुर्की ने पूरी कोशिश की कि जमाल कसोगी का मुद्दा यहां पर पब्लिक में आ जाए, वरना सऊदी अरेबिया और यूएसए ने उसको सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, पर लेकिन तुर्की ने उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। तो इसलिए भी ये काफी रिलेशन जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे अभी रिसेंटली। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री की एक रेगुलेटर है यहाँ पर, और उसी के साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको आप लोग एनएससी बोलते हैं, वो उसने एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कराया जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों के लिए। तो उसी के चलते यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया गया इसके ऊपर, और ये विदिन 45 डेज यहाँ पर पे करने की बात की गई है। 4 साल से ये इंक्वायरी यहाँ पर चल रही थी, जो कि यहाँ पर ये इंक्वायरी देख रही थी कि हाँ जो भी इसने गड़बड़ी की है यहाँ पर, यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो भी यहाँ पर प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ढंग से नहीं चलने दिए, खासकर जो ढील बरती गई इसके जो भी रूल और रेगुलेशन में है, तो उसकी वजह से जो ब्रोकर हैं उनको कहीं ना कहीं प्रिफरेंस मिला। आप लोग ऐसे बोलिए, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को कंडक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, मैं करूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट इकट्ठे करूँ 10-15 और उनको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको बोलूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो टाइम पर ही मिलेगा, और कुछ को यहाँ पर 5-6 घंटे पहले पेपर दे दूँ या फिर एक रात पहले दे दूँ, तो क्या आप लोगों को नहीं लगेगा कि ये जो बच्चे हैं इनको प्रेफरेंस यहाँ पर मिल गया है, आसानी से ये यहाँ पर आगे निकल सकते हैं इन बच्चों के कंपेयर में, जो कि पूरी दुनिया बाकी और जो भी पेपर देंगे, जिनको भी पेपर यहाँ पर दिया जाएगा, ये 10-12 बच्चे जो है यहाँ पर टॉप कर जाएंगे। कुछ ऐसा ही फंडा यहाँ पर देखने को मिला, एक्स्ट्रा यहाँ पर जो डेटा है वो प्रोवाइड करा दिया गया कुछ क्लाइंट को, एक तरीके से ऐसा कुछ यहाँ पर फंडा देखने को मिला, यानी कि प्रिफरेंशियल डेटा यहाँ पर दिया गया एक तरीके से, जिसकी वजह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मार्केट में देखने को नहीं मिला। यानी कि जैसे मैंने बोला है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले पेपर मिल गया, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर रह जाता है। तो ये जो भी नॉर्म्स यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए, उसके चलते यहाँ पर जो एनएससी के चीफ हैं उनको भी अपनी जो पास सैलरी है उसके लिए उनको पनिश दिया गया है, वो सैलरी उनको नहीं मिलेगी। इसी के चलते यहाँ पर ये बोला गया कि टिक बाय टिक, एक तरीके से डॉलर बाय डॉलर या फिर रुपी बाय रुपी आप लोग बोल सकते हैं, जो डेटा है वो प्रोवाइड करा दिया गया, और उससे पहले प्रोवाइड करवा दिया गया जो कि पब्लिक को मिलना था, यानी कि एक तरीके से ट्रस्ट ब्रेक भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये जो एपिसोड है इसकी वजह से कई सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ रिटेलर आज के में इन्वेस्ट करते हैं जो यहाँ पर नेशनल लेवल का स्टॉक होता है, पर लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑल प्लेयर को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाता है। हालांकि सेबी ने फिर भी इज्जत बचा ली, सेबी ने यह बोला कि उसको कोई ऐसा सफिशियंट एविडेंस नहीं मिला है कि जिसकी वजह से यहाँ पर यह बोला जाए कि इन्होंने जो एक्ट है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया है, पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो ये फॉलो नहीं कर पाए उसकी वजह से इनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है। यानी कि सेबी ने इनडायरेक्ट वे में फिर भी कहीं ना कहीं कि अपनी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है थोड़ी इज्जत बचा ली जाए, उस तरीके से डायरेक्ट इनके ऊपर ये खुले आम ये नहीं बोला है कि इन्होंने ये किया है इसलिए फाइन लगाए गए हैं, ये बोला है फाइन किसी और रीजन से लगाए गए हैं, क्योंकि जो हरकतें इनके द्वारा की गई है वो हालांकि ज्यादा प्रूफ नहीं है, पर फिर भी जितना इन्होंने रिलेक्टेंसी बरती है उसके लिए फाइन लगाए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन यहां पर हो जाएगा फिर से, जिसकी वजह से जो स्टेप यहां पर जो बातें यहां पर बोली गई है सेबी के द्वारा। और दूसरी बात यहां पर यह है, जो काफी लंबे समय से ये मार्केट में काम नहीं कर पा रहे थे, अब फाइनली फिर से ये कैपिटल मार्केट में फंड का जो फ्लो होगा वो देख पाएंगे, उसको देख पाएंगे कैसे सिचुएशन चल रही है, फिर से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो अपना एक फिर से देखते हैं कॉन्फिडेंस ये कितना रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात आ रही है 1000 करोड़ का जो फाइन लगाया गया है, ये जो राइटर ही सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम यहां पर ये लगाया सही है, हालांकि डिस्कस किया जाएगा कि इतना फाइन क्यों लगा दिया, पर लेकिन
कहीं ना कहीं अगर ढंग से बात देखी जाए, इतना बड़ा फाइन लगाने का कोई तो रीजन होगा, पर लेकिन वो रीजन एग्जैक्टली मार्केट में नहीं लाया गया ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि पनिशमेंट तो मिल गया, कम से कम अब सिस्टम ढंग से काम करता रहे। तो इसलिए रेगुलेटरी जो एक्शन है यहाँ पर सेबी का, वो यहाँ पर राइटर के द्वारा सही बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई यहाँ पर अलग अलग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है, खासकर बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसीलिए जो खासकर जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर उनका ही कॉन्फिडेंस एक बार हिल गया कि हाँ यार यहाँ पे तो ये होता है वो होता है, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए फेयर और साउंड जो यहाँ पर एक तरीके से फेयर और साउंड की इंस्टीट्यूशन यहाँ पर वर्क करना चाहिए, खासकर ये मार्केट के लिए भी काफी अच्छा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर जो अभी बात निकल कर यहाँ पर आई है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट या फिर जो भी यहाँ पर ऐसा एरिया है, खासकर जंगल वाला जो एरिया है, उसको अगर कंजर्व करने की बात की जाती है, तो कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है, यानी कि लोकल एरिया को इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है, पर लेकिन हमारी कंट्री इसके जस्ट अपोजिट चल रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारी कंट्री यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रही है। अनलाइक वर्ल्ड क्या कर रहा है, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है कंजर्व करने में फॉरेस्ट को, या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अभी देखा जाए यहां पर बात की जाए अभी रिसेंटली, तो ये बोला जा रहा है कि मोर देन 1 मिलियन जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, वो अभी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर उनको जंगल से निकाला जा रहा है और खाली करने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते लगभग अगर देखा जाए, अगर इंडिया भी यहां पर पीछे नहीं है, जो कि लगभग 8% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी यहां पर हमारी है, और इसी के साथ में 100 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर हैं। तो हम लोग भी इनके ऊपर फोकस देकर नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी यही पाथ फॉलो कर रहे हैं जो कि यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अपोजिट यहां पर डायरेक्शन में हम लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है, लोकल एरिया में जानता है लोग कि कहां पर क्या रास्ता है, कहां पर कौन सा पेड़ है, कहां पर कौन सी जो पशुओं की जाति पाई जाती है, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, पर लेकिन हम लोग उन्हीं को यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं। यानी कि जो लोग एक्चुअल में जानते हैं उसका मतलब क्या है, उसी को हम लोग पार्टिसिपेट कराने से मना वहां पर कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। वैसे तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, यानी कि हम लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन अपनी कंट्री में जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है, ये बिल्कुल ऐसी हो गया मैं आप लोगों को बोलूं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, आप लोगों को बोले जा रहा हूं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ और खुद मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ रहा हूं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, तो आप लोगों को लगेगा भी हां जल्दी उठ रहा है इंसान, हम लोगों को भी उठना चाहिए, तो वही समझ में बातें आती हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो बात घुमा फिरा के वही यहाँ पर देखने को मिलती है कि देखिए अगर कंजर्व करना है यहाँ पर ढंग से चीजों को मैनेज करना है, तो यहाँ पर लोगों को लोकल एरिया पे आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और वर्ल्ड भी यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो करके चल रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते 1980 यानी कि 1980 का वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की बात करें, अर्थ समिट 1992 की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अगर बात करें, इन सब के द्वारा यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा जो लोकल कम्युनिटी है, अगर आप लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना चाहते हैं। इसी के साथ में IUCN की जो पॉलिसी है, खासकर सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज 2000 और कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2004, ये सारी बातें भी यही बताती हैं कि कैसे आप लोग सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी का, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करती हैं। तो ये जो कन्वेंशन है, ये सारी बातें घुमा फिरा के ये बोलती हैं कि आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, यानी कि जो वन में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और एक तरीके से जो वहां पर प्रोड्यूस होता है वो सारी चीजें, और उनको अलग से आप लोग कंजर्व नहीं कर सकते, इनको पार्टिसिपेट आप लोगों को कराना ही कराना पड़ेगा, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। और इंडिया भी हमेशा इसको सपोर्ट करता है, पर लेकिन जब आती है इंप्लीमेंट करने की बात, तो अपोजिट यहां पर चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये है यहाँ पर 1972, दोनों को याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट की बात की जा रही है तो 27 है, 27 को उल्टा कर दो 72 हो गया, ठीक है। तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये जो है यहाँ पर इसके द्वारा एक अलग तरीका पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया गया हमारी कंट्री में, जो कि कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, कैसे उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया जाए, कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो होगा भी क्योंकि एक जो एक्ट है यहाँ पर वो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। तो अंग्रेज तो हमेशा ये सोचते थे रिसोर्सेज कहां से निकाले जाए, वो उस कंट्री के ऊपर फोकस थोड़ी ना देते थे जिस कंट्री में वो रहते हैं, तो ये एक अलग बात निकल के आती थी। 1980 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 1980 में यहाँ पर
एक पैटर्न निकल के आ रहा है, तब से एक शिफ्ट देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी फोकस देकर चल रही है कि कैसे ग्लोबल शिफ्ट जो हो रहा है तो इंक्लूसिव कंजर्वेशन यहां पर होना चाहिए। उसके लिए 1980 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, 1992 में नेशनल कंजर्वेशन स्टडी आई, नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी 2006 देखने को मिली, 2007 ये यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व गाइडलाइन देखने को मिली। तो ये अलग अलग तरीके की जो गाइडलाइन यहां पर निकल कर आ रही है, बेसिक फोकस ये रहता है कि कैसे यहां पर कंजर्व करना है, पर लेकिन ज्यादा फोकस यहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 1990 की हम लोग बात करें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन, उसके द्वारा बोला गया कि इंस्टीट्यूट ऐसा लेकर चलो कि कोलैबोरेट किया जाए ब्यूरोक्रेटिक लोग जो है यहां पर, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर रहते हैं और जो कम्युनिटी है, पर लेकिन रियलिटी में जो देखेंगे जो ब्यूरोक्रेसी है वो हैवी पड़ जाती है और कम्युनिटी बस ऐसा है कि कहने के लिए रह जाती है, कोई पार्टिसिपेशन यहां पर नहीं देखने को मिलता है। कम्युनिटी के हाथ में से रियल पावर छीन ली जाती है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर जो चीजें होनी है वो नहीं हो पाती है। हालांकि काफी बड़ा शिफ्ट यहां पर 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया उसके बाद देखने को मिला। फॉरेस्ट में राइट की बात की गई, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की बात की गई और खासकर क्या प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट में उस पर उनके राइट की बात की गई। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब बात करते हैं यहां पर फॉरेस्ट में राइट की वो तमाम मुद्दे, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो यहां पर ऑपरेशनलाइज करती है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, पर लेकिन जब कंजर्वेशन की बात आती है तो ये दूसरी मिनिस्ट्री के हाथ में दे दिया गया। देखिए इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है जो यहां पर इसके हाथ में आ गया जब कंजर्वेशन की बात करते हैं, और राइट की बात करते हैं तो उसके हाथ में आ गया दूसरी मिनिस्ट्री के। अब संबंध में ये आता है यहां पर, जब आप लोग राइट की बात कर रहे हैं तो राइट का मतलब तो ये है ना कि उनके हाथ में पावर दो आप लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या फॉरेस्ट है वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से अगर कोई फल फ्रूट्स हो रहे हैं जिनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट रहती है, मधुमक्खी वगैरह वहां पर है तो उनसे शहद निकालकर मार्केट में बेचते हैं, तो उनका राइट तभी होगा ना वहां पर जब आप लोग उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री को दे दिया, तो यहां से ही जो मंसूबे हैं वो समझ में आते हैं कि वो आप लोग ढंग से काम नहीं करना चाह रहे हैं, और जो होस्टाइल ब्यूरोक्रेटिक जो इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है उसको और ज्यादा पावर आज के डेट में दे दी गई है, वो भी एक अलग ही इंपैक्ट यहां पर डालता हुआ नजर आता है। यानी कि एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जैसे यहां पर होना चाहिए उसके हिसाब से। अनसर्टेनिटी काफी देखने को मिलती है इंडिया का स्टैंड जब आता है कंजर्वेशन की बात, यानी कि कम्युनिटी को तो एक साइड से साइड में करने की कोशिश की जाती है, कितना ज्यादा से ज्यादा उसको कम किया जाए पार्टिसिपेशन वो देखने को मिलता है। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो थर्ड नेशनल वाइल्ड एक्शन जो प्लान है जो कि 2017 में आया, उसी के साथ में 2018 में जो प्लान आया, अभी रिसेंटली ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये कम्युनिटी को साइड में ही रख दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल उस पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हमारी कंट्री में बहुत सारे राज्य के अंदर से ये बात निकल कर आई कि जो फॉरेस्ट में ड्वेलर रह रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी उनके हिसाब से ही चलता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में टेम्परेरी उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया, पर लेकिन एग्जैक्टली अभी यहां पर ये मझधार में लटकी हुई है कम्युनिटी की, क्या कम्युनिटी का राइट इसके ऊपर है, तो फिर से वो सोचने वाली बात यहां पर सामने निकल कर आती है। मार्च में कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिली चीजें यहां पर कि किस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट को भी यहां पर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो एग्जिस्टिंग जो राइट है वो और ज्यादा यहां पर अलग तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको और ज्यादा पावर देने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर भी सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, जो फॉरेस्ट में ड्वेलर रह रहे हैं उनको कभी भी वो एक तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली वगैरह तक चला सकते हैं अगर यहां पर कंजर्वेशन की बात की जाए। यानी कि जो फोर्सेस वगैरह टेररिज्म को या फिर इंसर्जेंसी या फिर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको टैकल करने के लिए यूज की जाती थी, आज की डेट में सेफगार्ड करने के लिए यूज की जा रही है बायोडायवर्सिटी। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो एक्टिविटी एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारी कम्युनिटी में हमारी कंट्री में जो खासकर जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहां पर क्या करते हैं वो बार बार हमारी फोर्सेज पर अटैक करते हैं, पर लेकिन आज तक हम लोगों ने वहां पर मिलिट्री यूज नहीं करी। रीजन क्या है? रीजन ये मिलिट्री बाहर के लोगों के लिए, तो हमारी कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए यहां पर उस फोर्सेज को यूज किया जा रहा है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी से लड़ने के लिए जो यूज की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही यहां पर चीजें सही होगी और इंडिया इससे दूर हटता जा रहा है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अब बात की जा रही है ओम्बुड्समैन के बारे में, यानी कि लोकपाल के बारे में, और वो लोकपाल है वो बैंकिंग लोकपाल की बात कर रहे हैं। अभी पीएनबी या फिर आप लोग बोल सकते हैं आईसीआईसी में जो प्रॉब्लम देखने को मिली, इसी के अलावा जो कई सारी और कंडीशन निकल कर आती है, तो उसके चलते लोकपाल का होना जरूरी माना गया, क्योंकि चंद्रा कोचर वाला केस आप लोगों को देखने को मिला, आईसीआईसी की हेड जो उसने फेवर किया अपने हस्बैंड को, जो यहां पर इस तरीके की हरकतें कई बार पास्ट में भी देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन वो दबा दी जाती हैं। तो इसी के चलते यहां पर जो कंप्लेन देखने को मिली खासकर ब्रांचेज के अंदर, तो आईसीआईसी आप लोग देखते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, तो ये ग्राफ यहां पर दे रखे हैं कौन सी ब्रांच में कौन सी कंप्लेन देखने को मिली पर ब्रांच के हिसाब से, ये यहां पर डेटा है। इसी के साथ में सिटीज के बारे में बात की जा रही है, किस सिटी में यहां पर कंप्लेन देखने को मिली, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं।
तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है। और इसी के साथ में जो फॉरन जो यहाँ पर फॉरनर बैंक है उनकी बात की जा रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर ये पूरा डेटा दे रखा है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या कंप्लेंट निकल कर आ रही है, ये डेटा अगर कहीं पर यूज कर सकते हैं, खासकर बैंकिंग एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कई बार यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं ऐसे डेटा, ठीक है ना। तो किस बैंक में कंप्लेंट यहाँ पर क्या क्या आ रही है, ये कौन सी सिटीज में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर दिल्ली देख सकते हैं आप लोग टॉप पर है हर तरीके से, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में भी होना चाहिए। ओके आइए अब आगे चलता हूं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये अभी 10th का रिजल्ट आया तो 13 स्टूडेंट के द्वारा टॉप रैंक शेयर की गई, यानी कि 13 बच्चों के द्वारा टॉप किया गया। उत्तर प्रदेश से 8 बच्चे हैं इन 13 में से, जो कि काफी बड़ी बात है। 91.1% यहाँ पर गर्ल है जिनके द्वारा शानदार तरीके से परफॉर्म किया गया, खासकर अगर बॉयज के कंपेयर में, यानी कि कहने का मतलब ये है गर्ल्स ने बॉयज को आउटपास कर दिया, ठीक है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि उसको नीचे छोड़ दिया लड़कों को फिर से लड़कियों के द्वारा। और ओवरऑल जो पास हुए हैं ये ओवरऑल पास है यहाँ पर, ठीक है ना, 91.1%। और लड़की आगे निकल गई है ये बोला गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, बोला गया है जो इलीगल रोड जो टाइगर जो यहाँ पर खासकर टाइगर रिजर्व के थ्रू यहाँ पर होती ही जाती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार आज की डेट में जो कंजर्वेशन की जब बात आती है तो ढंग से कंजर्व नहीं किया जाता है, और कई बार वहां पर सड़कें तक बनाने की कोशिश की जाती है इकोलॉजिकल एरिया को ध्यान में न रखते हुए। तो उसी के चलते यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कमिटी सेटअप की गई है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के यहां पर लोगों को डाला गया है और बोला गया है जल्दी से जल्दी इसके बारे में रिपोर्ट चाहिए जो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, खासकर राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है कि इंटरकास्ट अगर मैरिज कर ली गई यहाँ पर तो दो कपल को यहाँ पर जला दिया गया, ये कंडीशन अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि इनके द्वारा इंटरकास्ट जाकर मैरिज कर ली गई तो यहाँ पर इनको दोनों को जला दिया गया। तो क्या सोसाइटी आज की डेट में उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हाँ हम लोग कुछ अच्छे स्टेप ले सकते हैं, आज के डेट में रिलीजन और कास्ट के नाम पर यहाँ पर ये ऐसी हरकतें की जा रही हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है मास्टर कार्ड के द्वारा, बोला गया है 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5 साल में इंडिया में ग्लोबल टेक्नोलॉजी खासकर और ज्यादा अच्छे से बढ़ाने के लिए। तेज बहादुर यादव जो कि बीएसएफ के जवान थे जिनको बीएसएफ से निकाला गया था, उनका जो पर्चा है वो कैंसिल कर दिया गया था वाराणसी में, यानी कि उनके द्वारा जो इलेक्शन लड़ने की बात की गई थी, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोला गया कि मोदी जी को फेवर करने के लिए, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ वहां पर खड़े हो रहे थे और काफी लोगों में इनके प्रति प्रेम भी था और लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये बातें यहां पर निकल कर आ रही है कि मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर इनका पर्चा खारिज किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। अभी 1 मिलियन जो स्पीसीज यहां पर वो रिस्क टू एक्सटेंट है यहां पर, ये यूएन के द्वारा बोला गया है। इंडस्ट्रियल जो फार्मिंग आज के में हो रही है, खासकर फिशिंग की अगर बात की जाए वो भी थ्रेटन लेवल पर है काफी, यानी कि मैन मेड जो एक्टिविटी है उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिल रही है। ये यहां पर डेटा दे रखा है एक्सटेंट कितना हो रहा है, कंजप्शन की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इन सब रीजन की वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, यानी कि मैन मेड जो एक्टिविटी है वो काफी लार्ज स्केल पर है यहां पर, जो कि ये पूरा डेटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये याद रखिएगा ये यूएन के द्वारा यहां पर बातें कराई गई है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट जो बातें की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज और जो शाह महमूद कुरैशी जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन से पाकिस्तान के, दोनों मिलने वाले हैं पर लेकिन आपस में बात नहीं होंगे क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है ये यहाँ पर किर्गिस्तान में, पर लेकिन आपस में बात करने का कोई भी प्रपोजल यहाँ पर नहीं है कि आपस में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान फालतू में दूसरी कंट्री से जाकर अपने हथियार वगैरह या फिर जो चीज़ें हैं वो खरीदता रहता है, इनके यहाँ पर एक पॉपकॉर्न बनाने वाले ने यहाँ पर एक खुद का ये प्लेन बना डाला, तो देखिए कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न वाले से ही चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दे क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तो खर्च करना पसंद करते नहीं है, हरकतें क्या की जाती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंडिंग करने के लिए की जाती है। अगर ये बातें की जाए तो आप लोग देखते हैं लोकल एरिया में जो लोग हैं उनके अंदर टैलेंट है पर लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके से सपोर्ट उस तरीके के यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेलारूस यहाँ पर देखते हैं, यह मिंस्क इसकी कैपिटल, अगर बात की जाए बेलारूसियन रूबेल ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आप लोगों को इसकी करेंसी देखने को मिलेगी, रूबेल क्या रूबल इसको बोलिए आप लोग, ठीक है, ये यूरोपियन एक कंट्री यहाँ पर एक देखते हैं और ये हो गया यहाँ पर मैप, ओके, और यहाँ पर ये बाल्टिक सी हो गया और ये हो गया पर्टिकुलर कंट्री, अगर आप लोग इंडिया के कंपेयर में इसको देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर, सॉरी ये वाला मैप नहीं, आप लोग यहाँ पर देखिए
ताकि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। तो ये हो गया हमारी कंट्री और यहाँ पर आप लोग ये देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आज के क्विज के बारे में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा एनएससी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कितना फाइन इसके ऊपर लगाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है जो अभी हम लोगों को देखने को मिला, सस्टेनेबल यूज अगर किया जाए वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, ये 2000 का ये जो यहाँ गाइडलाइन है। इसी के साथ में कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2004, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो गाइडलाइन किसके बारे में ये बात करती है, किस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री में यहाँ पर आता है ऑप्शनलाइज करने के लिए, फॉरेस्ट जो एक्ट है 2006, जबकि कंजर्वेशन की जो बात की जाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। अगर बात करें 2017 की, तो यहाँ पर बात की जा रही है ये अंकारा और मॉस्को, यानी कि तुर्की और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो किस डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, ये आप लोगों को बताना है। 1 मिलियन जो स्पेसिस है वो आज के में एक्सटेंड होने वाली है, ये किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी कंट्री की और पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर मिलने वाले हैं, तो कहाँ पर ये मिलने वाले हैं, जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये था डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक हो गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।